दिवस है और इस दिन को खास बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मिशन शक्ति के दूसरे चरण का आगाज किया है। यह कार्यक्रम का आयोजन लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में किया गया। इस दौरान महिलाओं को भय मुक्त वातावरण उपलब्ध करवाने के लिए चल रही सेफ सिटी परियोजना के तहत पिंक बूथ समर्पित किया गया। इस दौरान चार महिलाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया है। सेफ सिटी परियोजना के तहत पहले चरण में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में महिला सुरक्षा के लिए 100 पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए महिला पुलिसकर्मियों का 100 टू व्हीलर पिंक पेट्रोल और 10 फोर व्हीलर पिंक पेट्रोल दिया गया है। शहर के 75 स्थानों पर विशेष सुविधा से लैस पिंक टॉयलेट का निर्माण भी किया जा रहा है। सेफ सिटी परियोजना के तहत शहर के डार्क स्पॉट को चिन्हित करके वहां पर प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि प्रदेश देश के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ने न केवल स्वच्छता के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के बड़े बेहद अभियान को आगे बढ़ाया, बल्कि स्वच्छ भारत मिशन ने नारी गरिमा की रक्षा भी की है। नारी गरिमा का भी प्रतीक स्वच्छ भारत मिशन बना है। 2,61,00,000 परिवारों को हम लोगों ने प्रदेश के अंदर एक एक शौचालय बनाकर के उपलब्ध कराया है। विगत 4 वर्ष के दौरान हम सबको अभी एक लंबी दूरी तय करनी है। मिशन शक्ति का हमारा जो ये चरण आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहां पर हम लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं, एक लंबी दूरी तय करने के लिए न केवल सरकार अपने कार्ययोजना के साथ आपके साथ जुड़ रही है, बल्कि समाज को भी और परिवार को भी इस दिशा में स्वयं संवेदनशील भी, सक्रिय भी और सचेत भी होना पड़ेगा। अगर हम सब एक साथ मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन सकें, जागरूक हो सकें, समाज को प्रेरित कर सकें, तैयार कर सकें, तो कोई कारण नहीं कि महिलाओं के सामने जो सुरक्षा का संकट कभी कभी आता है, इस संकट को दूर किया जा सकता है। सुरक्षा के सामने किसी प्रकार की कोई चुनौती नहीं, ये बात बहुत मजबूती के साथ और हर व्यक्ति इस बात को कह सकता है, लेकिन इसमें हर एक की आवश्यकता, हर एक व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। शक्ति,